राजस्थान के पूर्व दिशा में बसा अलवर शहर जो जाना जाता है अपने खूबसूरत किलों, झीलों व हेरिटेज हवेलियों के लिए। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध अलवर शहर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अलवर राजस्थान का एक जिला तथा लोकसभा क्षेत्र है। अलवर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर तथा दिल्ली से भी 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलवर शहर को राजस्थान का स्कॉटलैंड तथा पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। 8,380 वर्ग किलोमीटर में फैले अलवर जिले की जनसंख्या करीब 4,60,000 है, जो जनसंख्या के मामले में राजस्थान में 8वें स्थान पर आता है। यह नगर राजस्थान के जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। दिल्ली के निकटतम होने के कारण यह जिला पूर्णतः दिल्ली NCR में शामिल है। अलवर अरावली की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर है। प्राचीन काल में अलवर के इस क्षेत्र को मत्स्य नगर, अरवलपुर, शालवपुर, सलवार तथा अलवार के नाम से भी जाना जाता था। अलवर की स्थापना सन 1775 में राव राजा प्रताप सिंह ने की तथा राजगढ़ को अलवर की राजधानी बनाने के साथ ही नरुका वंश की स्थापना की। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी बैराट थी। बैराट वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है, जिसे आज विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। अलवर जिले के सारिस्का के जंगलों में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। अलवर का बैरोड, निमराणा व मुंडावर का क्षेत्र पूरे जिले में अपना अलग ही प्रभाव रखता है। अलवर अरबी भाषा का शब्द है। यह नाम 1195 में फरिश्ता ने दिया था। अलवर जिले के प्रमुख फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला अलवर जिला है। भारत की करेंसी नोट्स की स्याही बनाने वाला कारखाना अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थित है। इसके साथ ही अलवर में ही स्थित है राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी। अलवर जिले के इन उच्चतम क्वालिटी के प्याज को बांग्लादेश, नेपाल व अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक माचिस बॉक्स बनाने वाले कारखानों का शहर अलवर ही है। साथ ही अलवर जिले का मिल्क केक पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन अलवर जिले में ही होता है, इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अलवर में भपंग वाद्य यंत्र राजस्थानी लोकगीत की पहचान है। यह मेवाती संगीत संस्कृति की धरोहर है। इस वाद्य यंत्र के उस्ताद जहूर खान मेवाती माने जाते हैं। अलवर जिले के प्रसिद्ध मेलों की बात की जाए तो इसमें भ्रतहरि का मेला, नारायणी माता का मेला, चंद्र प्रभु का मेला, बिल्लारी माता का मेला व हनुमान जी का मेला प्रमुख है। अब बात कर लेते हैं अलवर जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में। नारायणी माता का मंदिर, यह मंदिर अलवर जिले के बैरवा डूंगरी में स्थित है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, जो मूलतः गुज्जर जाति की महिला थी। नारायणी माता ने कई कन्याओं की मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की थी। नारायणी माता के मंदिर में पुजारी मूलतः मीणा जाति के होते हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। भ्रतहरि की समाधि। योगीराज भ्रतहरि उज्जैन के राजा थे। अलवर जिले के सारिस्का के जंगलों में इनकी समाधि व दोना स्थित है। एक साल में 2 बार प्रतिवर्ष भाद्रपद पूर्णिमा तथा वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। योगीराज भ्रतहरि नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। चंद्र प्रभु का जैन मंदिर, यह मंदिर अलवर जिले के तिजारा की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की प्राचीन प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा अलवर जिले के डेहरा गांव से किसान को हल जोतते समय प्राप्त हुई थी। अलवर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आता है बाला फोर्ट। बाला किले को अलवर के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला अलवर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1550 में हसन खां मेवाती ने करवाया था। यह किला अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह अलवर पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थापित है। मूसी महारानी की छतरी, यह 80 खंभों की 2 मंजिला छतरी अलवर शहर में स्थित है। इस छतरी की एक मंजिल सफेद संगमरमर की बनी हुई है तथा दूसरी मंजिल लाल पत्थरों से बनी हुई है। यह छतरी राव राजा बख्तावर सिंह की पासवान रानी मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। सिलीसेट झील, यह झील अलवर जिले की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। इस झील से रूपारेल नदी की सहायक नदी निकलती है। इस झील के चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। वर्षा ऋतु में यहां पर भूत पर्यटक आते हैं। इस झील के पूर्व दिशा में एक अन्य झील जैसमन झील स्थित है। सिटी पैलेस, इस महल को विनय विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1793 में राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। इस महल की स्थापत्य कला में राजपूती तथा मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पैलेस को अब जिला प्रशासनिक कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। विजय सागर पैलेस, इस पैलेस का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। यह महाराजा जयसिंह का आवास था। इसका ढांचा परंपरागत इमारतों से बिल्कुल अलग है। इस पैलेस के अंदर एक राम मंदिर भी स्थित है। सारिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य,
यह अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 1955 में इस अभयारण्य को भारत सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया था। सन 1978 में इस अभयारण्य में बाघ परियोजना शुरू की गई। इस अभयारण्य में बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सियार, चीतल, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर, लंगूर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में 2005 में सभी बाघ गायब हो गए थे, लेकिन 2008 में बाघों का दोबारा पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। पुरजन विहार। अलवर शहर में स्थित इस बगीचे का निर्माण राजा शोदान द्वारा करवाया गया था। बाद में इस पार्क के अंदर एक और पार्क बनाया गया, जिसे शिमला पार्क कहा गया। इसका निर्माण मंगल सिंह ने करवाया। बाद में अंग्रेजों ने इस शिमला पार्क का नाम बदलकर कंपनी गार्डन रख दिया। कंकनबाड़ी दुर्ग। यह दुर्ग अलवर जिले के कंकनबाड़ी की पहाड़ियों पर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को दुर्राई के युद्ध में हराकर 2 दिनों तक बंदी बनाकर रखा था। इस दुर्ग की स्थापना स्वाई राजा जयसिंह प्रथम ने की थी। राजगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग अलवर जिले के राजगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की, जिन्होंने अलवर की स्थापना की तथा अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ ही थी। भानगढ़ का किला। इस किले को भूतों का किला भी कहा जाता है। यह किला पूरी तरह से खंडर बन चुका है। इस किले के उजड़ने से संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। पुरातात्विक विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस किले के आसपास रुकने की मनाही है। फतेहगंज गुंबद। फतेहगंज का मकबरा 5 मंजिला है और दिल्ली में स्थित अपनी समकालीन इमारतों से उच्च कोटि का है। खूबसूरती के मामले में यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी सुंदर है। अलवर शहर ऐतिहासिक इमारतों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ इमारतों में सरकारी कार्यालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। अलवर शहर में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अलवर में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च का है, लेकिन मानसून के समय में भी अलवर घूमने जाया जा सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो अलवर सड़क व रेल मार्ग दोनों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग द्वारा अलवर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली, जयपुर, जम्मू, जैसलमेर, उदयपुर से अलवर के लिए नियमित ट्रेनें चलती रहती है। अलवर शहर का निकटतम हवाई अड्डा सांगानेर का है। अलवर का पिन कोड 301001 है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अलवर जिले के बारे में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।